गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करेंगे। इस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के गुण, किसी भी चीज के गुण पढ़ेंगे, किसी भी कंपाउंड के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो हम दो तरीके के गुणों का अध्ययन करते हैं। नंबर एक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? नंबर एक, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है, या तो कोई चीज सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। नेक्स्ट बात, यह जल में विलेय होता है। फिर हम देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। तो यह जल में विलेय होता है। फिर जनरली हम देखते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट हो, क्या है? कोई ठोस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, द्रव है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, या द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट बात, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। जितने भी एसिड होंगे वो सभी नीले लिटमस को लाल कर देंगे। बेस में लाल लिटमस नीला हो जाता है और अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप ये भी देख सकते हैं कि त्वचा पर, मिस स्किन पर छाले डाल देता है, एज यू लाइक। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप सभी जानते हैं कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक लवण तथा जल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले रिएक्शन से यही लिख देते हैं कि क्षारों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद NaOH मिस, या कास्टिक सोडा भी, कास्टिक सोडा। NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ कराने पर ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। मीन्स अम्ल है आपके पास HNO3, क्षार आपने लिया NaOH, तो यहां से H2O बनेगा, तो एच और OH निकल जाएंगे, बचा आपके पास क्या? NaNO3, मीन्स Na सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। थ्योरी क्या लिखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद ये रिएक्शंस लिख देंगे, इनके नाम लिख देंगे। नेक्स्ट, जो HNO3 है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर ऑक्सीकारक गुण बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, मीन्स ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या है? ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो हम सबसे पहले रिएक्शन कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन विद कार्बन।
ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर देता है। सी प्लस, कार्बन का सूत्र सी होता है, प्लस 4HNO3। हमेशा कार्बन को जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। तो CO4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस साथ में 2H2O प्लस CO2 मीन्स कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को किस में परिवर्तित कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरीके से नेक्स्ट हम करा सकते हैं रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर का सूत्र होता है S। इसमें दो रिएक्शन होती है, S के साथ भी हो सकता है, S8 के साथ भी हो सकता है। S और S8 में क्या अंतर है? S अकेला एक अणु है और इसमें 8 अणु एक साथ यूनाइटेड है। इस तरीके से ये 8 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइंट है, मीन्स 8 परमाणुओं से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, उसे S8 बोलते। इन दोनों के बीच जो रिएक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है? तो हम पहले एस के साथ करा देते हैं। एस के साथ जो सल्फर है, ये सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देगा और S8 को भी H2SO4 के रूप में ही ऑक्सीकृत कर देगा। मीन्स S+6HNO3, और ये किस में परिवर्तित कर रहा है? H2SO4 में। प्लस इसके साथ साथ NO2 प्लस H2O, H2 देख लीजिए कितने बनेंगे, बैलेंस कर लीजिए, तो H है यहां पर 6 और यहां पर यूज हुए 2, तो यहां हो जाएंगे 2H2O। तो ये हो गई S के साथ। अगर हम इसी काम को S8 के साथ करें तो बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, केवल बैलेंसिंग का अंतर है। तो 48HNO3 लगेंगे और इसमें भी H2SO4 बनेगा, 8 मॉलिक्यूल H2SO4 के बनेंगे, प्लस साथ में NO2 भी बनेगा, साथ में H2O भी बनेगा। दोनों रिएक्शन सेम है, बस अंतर क्या है? 48 ही यहां पर NO2 बनेंगे और साथ में ये 16H2O बनेंगे। तो केवल रिएक्शंस में बैलेंसिंग का डिफरेंस है, बाकी बनने वाले प्रोडक्ट दोनों में सेम है। ऐसे बिल्कुल सेम है रिएक्शन विद फास्फोरस। फास्फोरस में भी इसी तरीके से होगा। फास्फोरस रिएक्शन विद फास्फोरस में भी P या P4 दोनों तरीके से करा सकते हैं, P के साथ भी करा सकते हैं और P4 के साथ भी करा सकते हैं। तो P के साथ जब आप HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो ये फास्फोरस को ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, मीन्स 5HNO3। बस इनमें दोनों में रिएक्शंस में डिफरेंस आएगा, 5NO2 प्लस हमारे पास है H3PO4 प्लस H2O। बैलेंसिंग देख लीजिए, 3 to 5 सही है, बैलेंस हो गई है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। ऐसे P4 की बात आती है, P4 प्लस HNO3, यहां पर HNO3 की बैलेंसिंग बदल जाएगी, 20HNO3 लेंगे। यहां पर भी NO2 बना था, यहां पर भी H3PO4 बनेगा, यहां पर भी H2O बनेगा। केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, 4H3PO3 होगा और साथ में ये 20 होंगे और बचते हैं H2O, ये हो जाएंगे 4H2O। इस तरीके से फास्फोरस से ऑर्थो फास्फोरिक एसिड मींस H3PO4 प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे ऑक्सीकारक गुण। अब इसमें आयोडीन है, आयोडीन के साथ भी आप करा सकते हैं। तो रिएक्शन विद आयोडीन, तो ये आयोडीन का सूत्र होता है I2।
उसमें आयोडिक एसिड में इसे ऑक्सीकृत कर देता है, मींस I2 की रिएक्शन करा रहे हैं हम HNO3 के साथ। तो इससे आयोडिक एसिड बनता है, तो ये हो जाएगा HIO3, ये सूत्र आयोडिक एसिड। प्लस साथ में आप एक चीज देख रहे हैं, हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट NO2 बन रहा है, यहाँ पर भी 10 NO2, जितने आप HNO3 ले रहे हैं ऑलमोस्ट उतने NO2 निकल रहे हैं, तो 10 ये तो 10 निकल गए। प्लस साथ में बन रहे H2, 4H2। ऑक्सीकरण में जितनी भी रिएक्शंस आपने देखी ऑलमोस्ट में आपने देखा कि NO2 और H2O जरूर बन रहा है। ठीक, तो ऑक्सीकरण की रिएक्शंस में आपको केवल एक ही प्रोडक्ट लर्न करना है, बाकी प्रोडक्ट्स आपको खुद ही पता चल जाएंगे ऑलमोस्ट क्या बन रहे हैं। उसके बाद ये थे हमारा ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण के बाद कुछ रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं, जैसे रिएक्शन विद जिंक, कॉपर, एक्सेट्रा। तो रिएक्शन विद, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विद जिंक, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ ही जिंक नाइट्रेट बनाता है। जिंक के साथ भी दो कंडीशन बन जाएंगी, ज्यादा भी बना सकते हैं आप, एक डायलूट और एक कंसंट्रेट। तो हम 20% डायलूट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं किसकी, HNO3 की, तो हम HNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि ZN पर 2+ होते हैं, इस कारण NO3 पर 1- होता है, तो NO3 के दो मॉलिक्यूल इसके साथ लगेंगे। तो यहां से बन गया जिंक नाइट्रेट। प्लस अभी बात की थी कि ऑलमोस्ट में NO2 और H2O बन रहे हैं, तो केवल H2O की बैलेंसिंग देख लीजिए कितनी बैठती है, तो H यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 5H2O हो जाएंगे। N देख लीजिए कि N कितने हैं, N2, यहाँ N 8 यहाँ पर यूज हो गए, 2 बचे, तो जो है ये जो है हमारी बैलेंस हो गई, N2, सॉरी N2, इसमें N2 बनेगा, उसमें NO2 बन रहा था, ये डाइल्यूट के केस में N2 बनता है। अब बात करते हैं, और जो अगर 70% कंसंट्रेट लेने तो NO2 ही बनेगा, तो ये था डाइल्यूट के साथ। और अगर कंसंट्रेट लें कंसंट्रेट लें तो कंसंट्रेट और डायलूट में क्या डिफरेंस है, डायलूट में HNO3 की मात्रा कम होती है, वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है, कंसंट्रेट में मीन्स ये 20% है और ये 70% है, मतलब इसमें 70% HNO3 है और 30% वाटर है, और उसमें 20% HNO3 है और 80% वाटर है। तो ये था कंसंट्रेट। कंसंट्रेट के साथ आप जब कराएंगे तो ZN+HNO3, यहां से भी ZnNO3 का होल ट्वाइस, और मैंने बताया था ना यहाँ N2O बनता है, वहां पर NO2+H2O, केवल आपको बैलेंसिंग रह गई। तो बैलेंसिंग में इसमें 4H2 होते हैं, जब 4 लेंगे तो वहां पर जो H2O निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, 2NO2 और 2H2O, 2NO2 और 2H2O। तो इस तरीके से हम क्या है इसे बैलेंस कर लेंगे। अब बात आती है रिएक्शन विद कॉपर, यहां भी दो ही सिचुएशन बनेगी, एक डाइल्यूट के साथ का एक कंसंट्रेट के साथ। डाइल्यूट को DIL शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, और इसे C1C की पावर है कंसंट्रेट। तो यहां भी बिल्कुल सेम इसी तरीके की दो कंडीशंस होंगी, अगर हम डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं तो 3Cu+HNO3 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, तो HNO3 के साथ इसमें 8 मॉलिक्यूल लगते हैं, इसमें कॉपर नाइट्रेट बनेगा, 3CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, प्लस साथ में इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO+2H2O। N काउंट कर लीजिए कि कितने हैं,
सिक्स, और तो ये भी टू होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम बात करें कंसंट्रेट के साथ, Cu प्लस HNO3। यहां से कंसंट्रेट के केस में वही सिचुएशन होगी, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 बनेगा कंसंट्रेट के केस में, और H2। तो आप देख लेंगे डायलूट के केस में एक जो रिएक्टेंट है वो चेंज हो रहा है, ये इसमें लगेंगे फोर, और यहां पर जो H2O है वो हो जाएंगे N, हो जाएंगे 2NO2 और 2H2। तो इस तरीके से हमने इसे बैलेंस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के यूजेस, उपयोग क्या क्या है। उपयोग में पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब रिएजेंट के रूप में। रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट जो हमारी लैब में जितनी भी बोटल्स रखी रहती हैं उन्हें जो केमिकल जो रिएज उन्हें रिएजेंट बोलते हैं, जो बोटल्स रखी रहती हैं। तो आप देखते हैं प्रयोगशाला में एक रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आपने कॉपर नाइट्रेट बनाया, कॉपर नाइट्रेट के बनाने में दूसरा आपने देखा आक्सीकारक के रूप में, के रूप में। नेक्स्ट एक चीज और है, उसके बाद है दो चीज रह जाती है इसमें। ये नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद दो चीज कभी कभी पूछ लेता है कि जब आप लैब की बात आई, जब हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं तो उसमें रिंग टेस्ट मस्ट होता है। क्या बोलते हैं? रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या होता है? आप एक प्रणाली लेंगे मिस टेस्ट ट्यूब, इस प्रणाली में आप थोड़ा सा H2SO4 और HNO3 डालें, H2SO4 प्लस HNO3, ये हमने डाल दिया। डालने के बाद इसे हम गर्म करेंगे, और यहां से इसकी सरफेस से टच होता हुआ ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे हम डालेंगे तो ये जैसे ही लेयर्स टच होंगी, तो टच होने पर यहां पर एक ब्राउन कलर का छल्ला बन जाएगा जो ऊपर को मूव करता है। वो किस चीज का छल्ला होगा? वो होगा Fe, NO और SO4। इसका नाम होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इस टेस्ट को रिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये जो छल्ला है ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का है। इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है? अगर इसी बात की बात करें तो हमने डाला H2SO4, 3H2SO4 प्लस हमने डाला साथ में HNO3, तो 2HNO3, और हमने डाला इसके साथ FeSO4, तो सिक्स मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे। और यहां से जब ये रिएक्शन हुई तो ये बनता है 3 Fe2 SO4 का होल ट्वाइस, मीन्स फेरिक सल्फेट प्लस साथ में बनेगी 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये दोबारा से FeSO4 के साथ रिएक्शन कर देगा प्लस NO, और ये रिएक्शन करके ये बना देगा Fe, NO और SO4, मीन्स नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ये इसके द्वारा रिंग टेस्ट किया जाता है। अब एक लास्ट चीज बची है, फ्यूमिंग HNO3, निस्सदूम नाइट्रिक अम्ल। इसमें से रखे रखे में से धुआं निकलता रहता है, फ्यूम्स निकलता रहता है। होता क्या है, यह 98% पीले भूरे रंग का होता है, और इसमें NO2 व साथ में N2O3 घुले रहते हैं, 98% शुद्ध वह नाइट्रिक अम्ल जिसमें NO2 और N2O3 घुले रहते हैं, और यह पीले भूरे रंग का होता है, इसे सुधूम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।